हम लोग ओला उबर में गाड़ी लगाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के लगता है, गाड़ी अटैच कैसे होती है? कार चाहिए हमें, चाहिए कमर्शियल कार। नई गाड़ी हम ले तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें मिलेगा जो हमें लेके जाना पड़ेगा ओला उबर का ऑफिस? हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के नए ब्लॉग में आपको करते हैं स्वागत। गाइस, आज तारीख है, गला थोड़ा अटक रहा है। तारीख है आज 23 तारीख, तीसरा महीना 2023, और टाइम जो हो रहा है 7:30 हो रहा है। तो गाइस, आज के एक नए टॉपिक पर आपसे बात करने आए हैं। टॉपिक ये है कि हम लोग ओला उबर में गाड़ी लगाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगा। तो गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं, सारी डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और आपको बताऊं कि जो नए ड्राइवर आना चाहता है या पुराने ड्राइवर आना चाहता है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, गाड़ी अटैच कैसे होती है, तो मैं सारे आपको वीडियो में अपडेट देने वाला हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो कर ले स्टार्ट। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो गाइस, आज मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ। अपडेट ये है, देखिए सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बंदे का सवाल और जवाब क्वेश्चन आ रहा था कि वीडियो में सभी मतलब जितने भी यूट्यूबर है या जो भी है, सारे बंदे क्या करते थे कि सारी डिटेल्स तो बता देते थे लेकिन ये डिटेल्स नहीं बताते थे कि गाड़ी कैसे अटैच होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत होगा। ये हो गया। तो गुरु जी, वीडियो में आप एंड तक बने रहना ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और जिस भाई को मेरे मुंह से थोड़ा कभी कभी निकल जाता है कुछ कुछ बातें, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आगे प्रोसेस में बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले ओला उबर में काम करने के लिए एक हम लोगों को चाहिए कार। कार कौन सी चाहिए, ये भी सवाल आता है। प्राइवेट चाहिए, कमर्शियल चाहिए, ये भी सवाल आता है आपका। तो हमें प्राइवेट नहीं कार चाहिए, हमें चाहिए कमर्शियल कार। कमर्शियल मतलब पीली कलर का जो नंबर प्लेट होता है ना, वो वाली चाहिए। और जब वो चाहिए तो कितनी पुरानी चाहिए, ये भी सवाल आता है। जब कितनी पुरानी गाड़ी चाहिए तो वो कब कैसे मतलब कितनी पुरानी गाड़ी है, तो मैं एग्जांपल दूं आपको। तो कोई कहता है कि भाई 8 साल पुरानी गाड़ी है, हमें ओला में अटैच करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। या कम से कम मेरा जो रिकमेंड करता है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक, इससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी आप अटैच नहीं कर सकते हो, दिक्कत आती है। ठीक है, गाड़ी की कंडीशन खराब हो जाती है जब तक चल चल के, तो ये सबसे ज़्यादा इशू आता है। तो दोस्तों, अब आते हैं कि अगर पुरानी गाड़ी नहीं है तो नए गाड़ी से हम काम करेंगे। बहुत सारे बंदे की ये सवाल आता है, जो क्वेश्चन आता रहता है, तो नए गाड़ी में हम कैसे काम करें? नए गाड़ी हम ले तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें मिलेगा जो हमें लेके जाना पड़ेगा ओला उबर के ऑफिस में? ये भी सवाल आता है आप लोगों का, बहुत सारे कमेंट में देखा हूँ मैं। बहुत तो कॉल करके पूछते हैं कि भैया कैसे होगा, क्या होगा भाई। सभी को हम इस कॉल के माध्यम से नहीं समझा देते, मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से आपको एक समझाने की कोशिश किया हूँ, ताकि अगर आप लोगों को कोई छोटी मोटी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना या अपना व्हाट्सएप पे लिख देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों, जब हम ऑनलाइन नई गाड़ी लेते हैं तो हमें सारी कंपनी जो होता है शोरूम, वो सारी हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है। हमें सबसे ज़्यादा डिपेंड आता है कि हम 180 गाड़ी लेते हैं, मतलब ऑल इंडिया परमिट लेते हैं, या NCR परमिट लेते हैं। चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, पुणे, कहीं भी, सबका जगह यही दो ही रूल्स होता है, ऑल इंडिया परमिट जो पूरे इंडिया में घूमता है, या NCR जो अपने घर के 90 किलोमीटर रेंज में होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है ये? तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको दिल्ली में काम करना है या दिल्ली से बाहर करना है, या अपने लोकल करना है या लोकल से बाहर करना है, आउट स्टेशन। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हमें करना होगा, अपने आप में जस्टिफाई करना पड़ेगा क्लियर कि हम कहाँ करने वाले काम। अब आता है सवाल कि हम गाड़ी ले तो कौन सा ले? तो गाड़ी ले, देखो मैं तो सबको यही रेकमेंड करता हूँ, सबसे बड़ा सवाल है कौन सी गाड़ी में अच्छा काम होगा, कौन सा में बढ़िया काम होगा। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोकल कर रहे हैं तो लोकल के लिए देखिए गुरु जी, बेस्ट है अपना वैगनर, प्रेस्को, सेलेरियो। ये 3 गाड़ी जो है लो मेंटेनेंस और हाई इनकम, जो जिसको कहते हैं अपना गांव वाले भाषा में या अपना जो भी भाषा होता है उस वाले में, ज्यादा कमाई कम खर्चा, ये वाले 3 गाड़ी है जो
लोकल में चलाने के लिए बेस्ट है। अब आते हैं ये नहीं, ये सवाल आपको ये डाउट हो जाएगा कि यार लोकल क्या मतलब दिल्ली एनसीआर गुड़गांव नोएडा ऐसा नहीं, इधर के हो आप दिल्ली एनसीआर नोएडा गुड़गांव को आप इधर चला सकते हो या आप एमपी महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल असम गुजरात कहीं का भी हो तो उधर लोकल में भी जहां ओला चलता होगा ओला चलता है वहां पर आपको चलाना है। वो अपने जो नियर बाई सर्विस सेंटर ओला का जो सेंटर होगा ना वहां पर आपको पता करना है कि हमें ओला की गाड़ी अटैच करना, वहां पर ओला की सर्विस अवेलेबल होगा तो आप करवा सकते हैं, बेसिकली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आईडी में एक बीच में आपको स्टॉप करना चाहूंगा कि अगर आप ओला ओवर में गाड़ी चलाते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम आईडी बनवाए कहां से, समझ रहे हो ना। तो आपको सबसे बीच में मैं इंट्रो कराना चाहता हूं कि ओला ओवर की गाड़ी के लिए अगर आप अटैच करवाना चाहते हैं तो सर्विस जो अथॉराइज होता है ना उनसे करवाएं, अथॉराइज सेंटर से, ना कि बाहर से कहीं करवा लें। अगर बाहर से आप कराते हैं तो बाहर वाला भैया फ्रॉड काम कर देगा और आपका नुकसान हो जाएगा, गाड़ी ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है, गाड़ी ऑफ रोड भी हो सकता है, गाड़ी आईडी भी परमानेंट ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उससे आपका भारी नुकसान हो जाएगा, गाड़ी भी गई पैसे भी गया सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो चलिए मैं जो इस टॉपिक पर था उसको कंटिन्यू करूंगा आपको। तो आपको छोटी गाड़ी से क्या मैंने मतलब बता दिया आपको, अब आते हैं बड़ी गाड़ी पे जो प्राइम होता है जिसको, ये मिनी की कैटेगरी होगी जो प्रेस्को सेलेडियो और सेंट्रो भी है और अपना वैगनर भी है। तो दोस्तों ये तीन चार गाड़ी है जो मिनी में आता है काउंट होता है, बट आता है अब सेडान, जैसे मुझे लोकल में भी काम करना है और एनसीआर में मतलब आउट स्टेशन भी करना है और मीडियम रेट में और अच्छा खासा रेट मतलब ठीक ठाक रेट भी होना, लो और हाई दोनों रेट मिलता है उसके अंदर। प्राइम जिसको बोलते हैं ओला के भाषा में प्राइम और उबर के भाषा में सेडान, दोनों सेम चीज बोला जाता है बट गाड़ी एक ही होती है जिसको बोलते हैं हम लोग। और आएगा हुंडई का ओरा हो गया और अपना क्या कहते हैं इसका मारुति का डिजायर हो गया, टाटा का जेट हो गया और अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारा गाड़ी दिल्ली से बाहर अपना एक्सयूवी गाड़ी बहुत सारा आता है। तो सारी अलग अलग कैटेगरी का जो हिसाब किताब होता है मतलब इसमें आप सेडान और प्राइम में ज़्यादा ड्यूटी मिलते हैं चांस होता है। और आप दिल्ली में मतलब दिल्ली मेरे मुंह से क्योंकि मोस्टली मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे को दिल्ली बार बार मुंह से निकल रहा है, आप लोकल में मेरा जो मेरा पर्पस है लोकल आप कर रहे हो या आउट स्टेशन करो, दोनों राइड उसमें मिलेगी और आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी राइड एक्सेप्ट करना है। तो वो चीज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि आपको लोकल लेना है परमिट या ऑल इंडिया परमिट लेना है। अगर जो भी आप परमिट लेंगे वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वो शोरूम पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपसे करवा देता है। करवाने के बाद आपका मेरे ख्याल से मेरे जो मेरी गाड़ी हुई थी मेरा हाथों हाथ ही वो आ गया था, मतलब 5 तारीख को गाड़ी डिलीवर किया कंपनी ने और मेरा जो आरसी आ गया था 29 नौ को रजिस्ट्रेशन हुआ 2022 में और मेरा गाड़ी आ गया था लगभग आरसी जो आया था एक या दो को आ गया था, उन्होंने मुझे कोरियर के जरिए बाई ड्रॉप घर पर ही आता है तो वो आ गया था। ये आ गया तो मैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला ठीक है आप आके ले जाओ गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मोस्टली कहूँगा कि भाई बगैर देखो नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी रोड पर निकालोगे तो चलान काट सकता है, गाड़ी भी सीज कर सकती है आपकी, तो ये चीज़ क्लियर हो, ये भी आता है डाउट। अब आता है दोस्तों कि हम क्या ओला ओवर में अटैच करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगा, गाड़ी के भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ड्राइवर के चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और अपना ये ऑनर के कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स तो वो हो गया आरसी, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, टैक्स, ये जो होता है और हो सकता है कि पुलिस वेरिफिकेशन कहीं कहीं मांगते भी है बट ये दिल्ली में ऐसा नहीं है। ये तो हो गया 5 चीज आपका गाड़ी का डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है, समझ रहे आप, मैंडेटरी है वो चीज आपको देना ही पड़ेगा। अब आता है ऑनर का, तो दोस्तों ऑनर का जो डिटेल्स होता है ऑनर के चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का चेकबुक, कैंसिल चेकबुक होता है। उसके बाद आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस और चेक, कैंसिल चेक, ये 3-4 चीजें जो होता है वो मांगते हैं और एक सेल्फी लेगा और अपना एक मोबाइल फोन में अपना ओवरफ्लीट का आईडी डाउनलोड करके उसमें आपको अटैच कर देगा सब कुछ, वो कंपनी से बनवाए। भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ कंपनी से ही बनवाना, जो सर्विस सेंटर होता है दिल्ली में वर्धमान प्लाजा गुड़गांव में सेक्टर 29 ओवर के ओला सबका ऑफिस में वो यही जो नाम ले रहे हो उसमें ही है, ध्यान रखना। नोएडा में सेक्टर 63
और कहा है बस ये मेरे को तीन पता है, मैं तीन बता दिया आपको दिल्ली एनसीआर के लगभग, बाकी आप जहाँ पे हो आपके नियर बाई होगा ये चीज। अब आते ऑनर की मैंने बता दी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है गाड़ी की बता दी, अब आते हैं ड्राइवर की। अगर कोई बंदा कहता है भाई मैंने गाड़ी ले ली, ड्राइवर रख दिया, अब मुझे ड्राइवर के मांगे देगा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है? देखिए आपकी आईडी तो ओला में बन चुकी है, ओवर में बन चुकी है, गाड़ी भी अटैच हो चुका है, तो आपको ड्राइवर को अटैच करने के लिए कैसे करेंगे? तो देखिए ओवर फ्लिट का जो होता है ना ऑप्शन, उसमें ड्राइवर अटैच का ऑप्शन होता है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना आप, बट अपने से ना करें, जाकर कंपनी में करवाए बेस्ट रहेगा। ड्राइवर के भी दो तीन चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, वो पहला चीज क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और ये दो चीज होता है, और स्मार्टफोन में वो उबर का ड्राइविंग ऐप डाउनलोड करेगा डाउनलोड करेगा, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद में वो अटैच कर देंगे, गाड़ी नंबर बता देंगे कि मैं गाड़ी नंबर ये है DL1 जो भी है, और ऐसा करके वो बता देंगे अपने उबर असिस्टेंट जो भी होता कॉन्ट्रोल उसको बताएगा, वो तुरंत अटैच कर देगा उस दूसरे आईडी से इस आईडी में अटैच कर देगा अगर किसी पे अटैच होगा तो, और फिर वो 5 मिनट बाद ड्राइविंग करना शुरू कर सकता है। तो वो मोस्टली यही लगता है। हाँ एक केस ये होता है जो अगर जैसे देखो मालिक मैं हूँ, ड्राइवर दूसरा है, जो भी इस राइड में मतलब कोई बुकिंग आई, मेरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कोई बुकिंग आई, बुकिंग आने के बाद अगर उस बुकिंग में जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट है, कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया उसके अंदर उबर को या ओला को, तो उस केस में क्या होगा, वो पेमेंट उबर के वैलेट में चला जाएगा, वैलेट में जाएगा, और उसके बाद जब वो शेड्यूल करेगा ना पेमेंट उबर अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 5 बजे, तो वो पेमेंट अपना ऑनर के खाते में जाएगा, ड्राइवर के खाते में नहीं आता, ड्राइवर का अकाउंट नहीं अटैच होती है खाते नंबर वगैरह, ये ध्यान रखना आप लोग। सिर्फ ड्राइवर सिर्फ कैश ले सकता है जो कस्टमर से कलेक्ट करना है, ये चीज हो गया क्लियर आपको? ये देखिए सारी डाउट मैंने क्लियर कर दिया, गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, गाड़ी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करना होता है, गाड़ी अटैच करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑर्डर के कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और अपना क्या कहते हैं ड्राइवर के कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए चाहिए। तो अगर आप लोगों का सारी सवाल के जवाब मिल गया और वीडियो कैसा लगा तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो ना मैं आपको सारी वीडियो जैसे लाता हूँ ना नए नए अपडेट, देखो सबका सब बंदा एक जैसा नहीं बता सकता, कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें होती है जो आपको समझनी चाहिए, समझ रहे हैं दोस्तों? तो आप लोग बिल्कुल समझो, और समझने के बाद मैं नहीं कहूंगा मेरी वीडियो देखा आपने गाड़ी ले लिया और अटैच करा लिया, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक गाड़ी चलाने वाला टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आप जो अपने आप को पूरी मार्केट की स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद आप सारा काम कीजिए, ना कि जल्दीबाजी में कोई गाड़ी बुक कर दिया और गाड़ी ले लिया और पछता रहे रोड पे। नए बंदा बिल्कुल ऐसा मत करना भाई, नए बंदे भाई पहले ट्रेनिंग लो किसी से, समझो सीखो, 1-2 महीने चलाओ किसी गाड़ी, उसके बाद स्लाइड माना, अदरवाइज ऐसे नहीं आना, नुकसान आपका है, पैसा आपका है, आप जहां बर्बाद करो आपकी मर्जी भाई। क्लियर दोस्तों? तो आप इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे, इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।